कुशीनगर जनपद अंतर्गत तमकुहीरा तहसील क्षेत्र के दुधई विकास खंड के ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर चारागाह में बना स्थायी गौवंश आश्रय बना मौत आश्रम। बताते चले कि बेजुबान पशुओं को बगैर चारा पानी दिए रखा जाता है, जिसके कारण आए दिन बेजुबान पशुओं की मौत का सिलसिला जारी रहता है और मौत होने के तुरंत बाद किसी निर्जन स्थान पर आनन फानन में मौत पड़े बेजुबान पशुओं को दफन कर दिया जाता है ताकि किसी को भनक न लगे। सनद रहे कि बेजुबान पशुओं को खाने के लिए स्टॉक रूम में भूसा एवं खाने के लिए अन्य सामग्री नगण्य रहता था। बताते चले मौके पर पहुंची मीडिया टीम को ग्रामीणों ने बताया कि इस गौवंश आश्रय पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं रहती है। कभी कभार जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर देख कर चले जाते हैं, जिससे उपरांत गौवंश आश्रय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। तो वहीं आज पशुओं की मौत इसकी सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी तमकुही राज, विकासखंड अधिकारी दुधही, पशु विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर मृत्यु पड़े बेजुबान पशुओं की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। मामले के संबंध में उपजिलाधिकारी तमकुही से बात करने पर बताया गया कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी इतनी बड़ी हादसा होने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचने की जहमत करते। आगे ये भी आरोप लगाया कि गोवंश आश्रम में बेजुबान पशुओं के रख रखाव व्यवस्था के लिए मिले हुए धन का सही उपयोग न कर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। अब देखना है कि उक्त मामले में जिम्मेदार अधिकारी कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए ग्रामीण टकटकी लगाए हुए हैं। इस गौशाले पर बराबर पशुओं का मृत्यु होता रहता है और गाँव वाले जो पशु लाते हैं उसको ये लोग नया बांध लेते हैं, मरे हुए को दफना देते हैं। आज कितने गायों की मृत्यु हुई है? आज अभी एक गाय की मृत्यु हुई है, दो मरने वाले हैं। पोस्टमार्टम हुआ था, हम लोग वीडियो वायरल किए थे तो मौके पर डॉक्टर साहब आए हुए। अब बता दो भैया, पानी वानी नहीं मिला? चारा की व्यवस्था नहीं है, अभी फिलहाल गोदाम में जाँच करिए, कभी भूसा नहीं है। इसमें लापरवाही किसकी है? इसमें लापरवाही ग्राम प्रधान की है, सेक्रेटरी की है, ये लोग सूचना नहीं करते हैं। मौके पर SDM साहब आए हुए हैं, BDO साहब, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? उन्होंने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है, जांच पड़ताल कर रहे हैं, मौके पर जगह जगह गड्ढा देखे। यहाँ जितने बछड़ा मर रहे हैं, अभी SDM साहब पूछे कि ये बछड़ा कहाँ का है, तो डॉक्टर साहब कहे कि ये आउट जगह का बछड़ा है, दो दिन पानी नहीं पिया बछड़ा, यहाँ के पानी के बिना तड़प रहे हैं बछड़ा यहाँ, और पानी के बगैर मर रहे हैं। हमारे खेत यहाँ बगल में है, हम यहाँ हर पल आते हैं, जाते हैं, देखते रहते हैं कि पानियों के बिना यहाँ के बछड़ा मरते हैं। ये बताइए कि जब कितना हूँ चारा खिलाया जाए और जब पानी नहीं दिखाया जाएगा तो क्या आदमी का वो बछड़ा जीवित रहेगा? और यहाँ के यहाँ कोई भी आउट आदमी बछड़ा नहीं हलाता है, ये जोगी बाबा का चरागाह है, यहाँ का बछड़ा मरते हैं सब, तो चरागाह की बछड़ा मरते हैं सब। इसमें लापरवाही किसकी है? अब इसमें लापरवाही देखिए किसका है कि ये मान लीजिए सफाई कर्मी लोग हैं तो खिलाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की दवा करनी है, डॉक्टर साहब अपना दवा इलाज करेंगे, सफाई कर्मी तो कभी इलाज कर ही नहीं सकते। कुछ दिन पहले भी एक बछड़ा मरा था, हाँ, एक महीना पहले एक बछड़ा मरा था जिसके कान सड़ गया था, और वो बछड़ा चार आदमी लोगों ने मिलकर वहाँ दफन किया है, जो अभी अभी कुदार से घुमाया गया। ये कि गोदाम भी भूसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो आधे आधे बाल्टी पानी पिलाया। मौके पे SDM साहब आए हैं, BDO साहब आए हैं, क्या उनका? SDM साहब और BDO साहब दोनों साहब लोग आए हैं, और यहाँ आधा आधा बाल्टी पानी पिलाया जाता है, फूल पानी भी नहीं पिलाया जाता है, और लोग कहते हैं कि पानी पिलाने से बछड़े छेड़ते हैं, पानी पिलाने से बछड़े छेड़ते हैं। यहाँ को यहाँ के प्रधान जी भी यहाँ देख रेख में नहीं है। कौन प्रधान जी है? रणजीत, यहाँ 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 SDM साहब आ चुके हैं, BDO साहब आ चुके हैं, दुधई BDO साहब, तो हम कहीं तहसील के SDM साहब आ चुके हैं, लेकिन ग्राम सभा के ग्राम प्रधान नहीं आए हैं और सेक्रेटरी भी नहीं आए हैं। किया गया है और देखा गया, कुछ ग्रामवासियों की शिकायतें थी उनको भी देखा गया, अभी फिलहाल जाँच चल रही है। प्रथम दृष्टया कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों की कमियाँ पाई गई हैं, उनके विषय में जो है उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कराई जाएगी। ये क्या लग रहा है, काफ़ी नहीं? अब इसमें तो अभी जांच की जा रही है, CBO साहब भी आए हैं, और कुछ ये भी बताया गया कि बाहरी लोग भी दफना देते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ के पशु हैं तो उनकी एक अभी रजिस्टर मिल जाता है तो उसकी जाँच करके देखा जाएगा कौन से पशुओं के बारे में आरोप लग रहा है, अगर आरोप सही पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मौके पर रजिस्टर कहेंगे आप? नहीं, चोकर और सामग्री इनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पानी शायद टपक रहा था तो कहीं और रखा गया था, लेकिन ठीक है, रखना चाहिए यहाँ पे जो स्टोर है,
और अभी ला के खिलाया भी जा रहा है। और इस संबंध में अभी सेक्रेटरी आएंगे तो वही बताएंगे कि कहाँ पे उनके द्वारा रखा गया है। क्या लग रहा है रजिस्टर रखना रखना चाहिए उनको यहाँ आश्रय स्थल पे?